चीन के वुहान शहर में दिसंबर में सामने आए कोरोना वायरस ने दुनिया भर के करीब 155 देशों को अपने चपेट में ले लिया है। इससे दुनिया भर में करीब 1,80,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि लगभग 7,000 की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में भी पहली मौत दर्ज की गई है, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 193 पहुंच गया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना से पहली मौत लाहौर में हुई है। इसके अलावा सिंध में 155, खैबर पख्तूनख्वा में 15, बलूचिस्तान में 10, गिलगित बल्तिस्तान में 5, इस्लामाबाद में 2 और पंजाब में 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन रसीद ने एक आदमी की मौत की पुष्टि की है। ये आदमी 15 मार्च को मस्कट से लौटा था और संक्रमण की पुष्टि होने पर इसे लाहौर के मायो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को इसकी मौत हो गई। राशिद ने कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कॉलेज, स्कूल, सिनेमा हॉल को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है, साथ ही मस्जिद को बंद करने के लिए मौलवियों से बात की जा रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी और जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।